का झटका, बढ़ गई केजरीवाल की बेचैनी। सीएम का बाहर आने का रास्ता बंद, आम आदमी पार्टी में हड़कंप। क्या पीए बना केजरीवाल के लिए काल? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। शराब घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को इतना बड़ा झटका दे दिया है कि सीएम साहब जेल में बेचैन हो गए हैं, न खा रहे हैं न सो पा रहे हैं, क्योंकि ईडी ने बाहर निकलने का रास्ता ही बंद कर दिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने झटके से ही खारिज कर दिया है। अब समझिए, ये सब तब हुआ जब एक दिन पहले ही ईडी ने दुर्गेश पाठक और केजरीवाल के पीए से कई घंटों तक पूछताछ की। पूछताछ में केजरीवाल के पीए ने तमाम ऐसे खुलासे ईडी के सामने कर दिए हैं जिन्हें ईडी ने कोर्ट में सबूतों के साथ पेश किया, और सबूतों को देखते ही कोर्ट ने खेल कर दिया, पूरी आम आदमी पार्टी के पसीने ही छुड़ा दिए। खैर, आगे कुछ बताएं, कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की उसे सुनकर तो देश का सिर ही चकरा गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एकत्रित किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के इस्तेमाल व छुपाने में एक्टिव रूप से शामिल थे। वे निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी इसमें शामिल थे। किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। जांच में पूछताछ करने से सीएम को छूट नहीं मिल सकती है। तो साफ साफ शब्दों में कोर्ट ने केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बना दिया है। खैर, कोर्ट की टिप्पणी यहीं खत्म नहीं हुई, आगे जो कुछ कहा उससे तो संजय सिंह और सिसोदिया भी घबरा गए। कोर्ट ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री है जिसके कारण उन्हें आरोपियों को गिरफ्तार करना पड़ा। केजरीवाल की वजह से हुई देरी का असर उन लोगों पर भी पड़ा जो हिरासत में थे। केजरीवाल का शामिल ना होना एक सहायक फैक्टर था, ना कि एकमात्र फैक्टर। सबूत देखते ही जज साहिबा इस कदर भड़क गई कि उन्होंने छूटते ही केजरीवाल को बाकी सुविधाएं देने से भी साफ इनकार कर दिया। साफ साफ शब्दों में कहा, कोर्ट आरोपी के हिसाब से नहीं बल्कि कानून के हिसाब किताब से चलेगा। खैर, एक बात तो साफ है, केजरीवाल के लिए पुराने लोगों के पास से बरामद हुए सबूत तो काल बने ही हैं, लेकिन हाल ही में उनके पीए और दुर्गेश पाठक से हुई पूछताछ भी केजरीवाल के लिए जी का जंजाल बन गई है। दरअसल ईडी ने 6 घंटे तक केजरीवाल के पीए से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल के पीए विभव कुमार से केजरीवाल की गतिविधियों और कार्यक्रमों के सिलसिले में पूछताछ की गई। कहा जा रहा है कि ईडी के कई सवालों का पीए पहले तो जवाब नहीं दे पाए, लेकिन जितना मुंह खोला उससे भयंकर खुलासा ही कर दिया। दूसरी तरफ दुर्गेश पाठक से गोवा चुनाव में पैसों के लेन देन का हिसाब किताब लिया गया। दुर्गेश पाठक इसलिए जाल में फंसे हैं क्योंकि वो गोवा चुनाव में पार्टी के सह प्रभारी थे। उस दौरान चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच कैश में लेन देन हुआ, तो दुर्गेश से यही पूछा गया कि ये पैसा किसने भिजवाया और कैसे गोवा चुनाव तक पहुंचा, इन पैसों में केजरीवाल का रोल क्या था। ये तमाम सवाल दुर्गेश पाठक और उनके पीए से दागे गए। कुल मिलाकर ईडी ने आप नेताओं के पास से ही सबूत जुटाए जो केजरीवाल के लिए काल बने हैं। ईडी का कोर्ट में खुलासा, शराब घोटाले में ईडी ने 36 लोगों को आरोपी बनाया। आरोप है कि 36 आरोपियों ने शराब घोटाले में हजारों करोड़ की रिश्वत के सबूत छुपाए। सबूत छुपाने के लिए आरोपियों ने 170 फोन नष्ट किए, इस्तेमाल किए या बदल दिए। केजरीवाल के पीए विभव के मोबाइल का IMEI 4 बार बदला गया। शराब घोटाले के पैसों का इस्तेमाल गोवा चुनाव प्रचार में किया गया। ईडी ने कोर्ट में यह खुलासा सबूत गवाहों के साथ किया है। यही वजह है कि जैसे ही जज ने सबूत देखे, केजरीवाल की सारी नौटंकी पर पानी फेर दिया। साफ शब्दों में कह दिया कि राजनीतिक दबाव साजिश से नहीं कोर्ट चलेगा, बल्कि कोर्ट कानून के हिसाब से काम करेगा। और छुटते ही कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। आप नेताओं की नींद उड़ा दी। अब केजरीवाल पूरी तरह घबरा गए हैं क्योंकि उनका जेल से बाहर आने का रास्ता ही बंद हो गया है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।